मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर नवरतन आज मैं आपको बताने वाला हूं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट का मतलब है कि इसलिए वर्ड आपने दिया गया है गोल्डन क्योंकि अगर हमको कोई भी अकाउंटिंग करनी है विदाउट दीज रूल इट नॉट पॉसिबल। हमको जब तक ये फंडामेंटल नियम नहीं पता होंगे तब तक हम आगे की बात कर ही नहीं सकते। इसलिए मैंने इसको एक क्लास में और इसको एंटर किया है और मैं इसको आप आज जो बताऊंगा उसको अलग अलग करके बताऊंगा और ज्यादा इसको बताया जाएगा इसमें कि गोल्डन रूल की अगर हम बात करें तो तीन तरह के हमारे पास अकाउंट होते हैं। पहला होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट जिसे हम व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, दूसरा होता है हमारे पास रियल अकाउंट जिसे हम वास्तविक खाता बोलते हैं, थर्ड होता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट जिसे हम नाममात्र खाता बोलते हैं। इसके जो नियम मैंने आपको बताए थे जब डबल एंट्री सिस्टम की बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि इसका अफेक्ट दो जगह पड़ता है, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डेबिट की अगर हम बात करें तो पर्सनल अकाउंट में तो डेबिट इज द रिसीवर यानी कि कोई भी चीज कहीं से भी आ रही है या कोई भी चीज हमको प्राप्त हो रही है या प्राप्त करने वाला क्या होगा डेबिट होगा। आप लोग मिलते चलिएगा प्राप्त करने वाला क्या होगा डेबिट होगा, डेबिट इज द रिसीवर। सेकंड क्रेडिट इज द गिवर, देने वाला को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, जाने वाले को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो यानी कि अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं व्यक्तिगत अकाउंट की बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज जहां से हमारे पास आ रही है जिसको हमारे पास मिल रही है हमारे पास आ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, जो हमारे से जा रहा है देने वाले को क्रेडिट। रियल अकाउंट की अगर हम बात करें सेकंड जिसे हम वास्तविक खाता कहते हैं, इससे कहते हैं कि व्हाट कम्स इन डेबिट, कहीं से भी कुछ आ रहा है तो हमको क्या करना है उसको डेबिट करना है, रिडीम करना, यानी कि कहीं से भी हमारे पास कोई भी चीज आ रही है वस्तु आ रही है तो कैश आ रहा है तो हमको क्या करना है डेबिट करना है। इसी तरह व्हाट गोज आउट तो उसको हमको क्या करना है क्रेडिट, कोई भी चीज हमारी फर्म से जा रही है तो उसको हमको क्या करना है क्रेडिट, चाहे वो कैश जा रहा हो या कोई माल जा रहा हो या कुछ भी जा रहा हो तो हमको उसको क्या करना है क्रेडिट, यानी कि व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। लास्ट है नॉमिनल अकाउंट से हम नाममात्र खाते भी कहते हैं कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, यानी कि जो भी फॉर्म में खर्चे हो रहे हैं जो भी फॉर्म में लॉस हो रहा है हानि हो रही है उन सभी को हम क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट करेंगे, जबकि ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, यानी कि कहीं से भी कोई भी फॉर्म में आय हो रही है या कहीं से भी हमको गेन हो रहा है प्राप्ति हो रही है तो वो हम क्या करेंगे क्रेडिट। तो चलिए अब इसको हम एक एक करके क्योंकि मैंने ये क्लास ली है इस क्लास में क्या है कि हर एक को हम पर्सनली इसको अलग से आइडेंटिफाई करेंगे उसको आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। देखिए पर्सनल अकाउंट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले जो अकाउंट होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट होता है जिसे हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। व्यक्तिगत खाते की जो डेफिनेशन है आप सुनिएगा समझिएगा कि द अकाउंट विच रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति से, फर्म यानी कि जो हम फर्म बनाते हैं व्यक्तियों का जो समूह होता है एक पार्टनरशिप फर्म साझेदारी फर्म उनकी बात करते हैं, कंपनी जो हम कंपनी बनाते हैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे यहाँ तीन तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक जो हमारे यहाँ यूज होती है सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे काम की व्यापार कहते हैं जिसका एक व्यक्ति देखता है, दूसरी होती है पार्टनरशिप फर्म जिसे दो या दो से ज्यादा व्यक्ति देखते हैं और 50 व्यक्तियों से कम, और उसके बाद होता है हमारा कंपनी जिसमें बहुत सारे अनलिमिटेड जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं छोटे छोटे शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं वो तीनों ही केस चाहे वो व्यक्तिगत हो या फर्म हो या कोई कंपनी हो उन सभी को हम यहाँ पे क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है यानी कि कोई फर्म है यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन है फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉलेज ही एक फर्म है, हमारा यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन है,
तो जो हमारा कॉलेज जो इंस्टीट्यूशन है वो भी हम किसके अकाउंट को मानेंगे, पर्सनल अकाउंट को, क्योंकि वो एक तरह का एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसे हम जैसे कंपनी की बात करें वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमको जो व्यक्ति के द्वारा कोई भी चीज बनाई जाती है, जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके द्वारा वो चलती है, उसको हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत लाते हैं। जैसे कंपनी में भी क्या होता है कि आर्टिफिशियल कंपनी की एक फीचर होता है आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से, तो वो भी क्या है, पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट है। तो हम यहाँ पे क्या इंक्लूड करते हैं, द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का, एक फर्म का, एक कंपनी का और एक इंस्टीट्यूशन का भी जो अकाउंट होते हैं उसे हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं कौन कौन से उसमें आते हैं। पहला है डायरेक्टर, जिसे हम देनदार कहते हैं। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, देनदार क्या होते हैं। देनदार जिसको हम माल को उधार बेचते हैं और जिससे हमें कुछ ना कुछ लेना होता है। तो डेबिटर किसका पार्ट है, व्यक्तिगत खाते का। क्रेडिटर जिसको हम जहां से हम उधार माल लेते हैं और बाद में हमको देना होता है, लायबिलिटीज होती है, उसे हिंदी में लेनदार कहते हैं। ये भी किसका पार्ट है, पर्सनल अकाउंट का। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने फॉर्म में कोई अमाउंट को इन्वेस्ट करता है, तो उसमें उस व्यक्ति का नाम ना होके वो अपने फॉर्म में उसका अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, तो कैपिटल उस व्यक्ति का पर्सनल अकाउंट होता है। तो वो क्या कर रहा है, अपने व्यापार में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल भी इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग जिसे हम आहरण कहते हैं, आहरण भी क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनली कार्य के लिए कुछ पैसा या कुछ माल अगर वो निकाल लेता है, वो भी हमारा व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। बैंक, बैंक में भी क्या होता है, किसी व्यक्ति का अकाउंट होता है, किसी फर्म का अकाउंट होता है, किसी कंपनी का अकाउंट होता है, किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट होता है, यानी कि बैंक अकाउंट में भी किसी न किसी व्यक्ति का विशेष का वहां पे नाम होता है। तो इसलिए भी जो बैंक है वो भी किसका पार्ट होता है, पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रियल अकाउंट। चलिए दूसरे अकाउंट पे आते हैं। दूसरा अकाउंट होता है हमारे पास रियल अकाउंट, जो कि सेकेंड है, जिसको हम वास्तविक खाता कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म आर कॉल्ड रियल अकाउंट। देखिए यहाँ पे मैंने दो वर्ड बोले, यहाँ पे एक बोला मैंने टेंजिबल और दूसरा बोला मैंने इनटेंजिबल। तो सबसे पहले आपको ये समझना यहाँ पे जरूरी होगा कि टेंजिबल क्या होता है और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं, संपत्ति होती है। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, माप सकते हैं, जैसे कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये ऐसे टेंजिबल एसेट्स हैं जिसको हम आसानी से छू सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं और जो हमको दिखाई देती है। दूसरा मैंने आपको वर्ड बोला इनटेंजिबल एसेट्स, जिसे अमूर्त संपत्ति भी कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिसे हम ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, बट उसका मेजरमेंट व्यापार के खातों में किया जाता है। दोबारा सुनिएगा, इनटेंजिबल एसेट्स अमूर्त संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बट वो व्यापार के अंदर उसकी एक अलग वैल्यूएशन किया जाता है। जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये जितनी भी हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती बट वो संपत्ति यानी कि एसेट्स का पार्ट होती है, वो भी हमारे रियल अकाउंट में के अंतर्गत ही आएंगे। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म आर कॉल्ड रियल अकाउंट। यानी कि और रियल अकाउंट का जो मैं आपको रूल बताया था, गोल्डन रूल बताया था, जिसे हम कहेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो भी कुछ आएगा उसे हम डेबिट करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो भी चीज हमारे यहाँ से फॉर्म से जाएगी उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी कि जो भी चीज हमारे पास आ रही है उसे डेबिट करेंगे, जो भी हमारी फॉर्म से हमारे पास से जा रही है उसे क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो हम चीज यहाँ पे लेते हैं उसमें एक्सक्लूडिंग
डेटर की बात करते हैं, देनदार को इसमें इंक्लूड नहीं करते क्योंकि देनदार को हमने पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड कर लिया है। इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान के चलिए ये फॉर्म है, एक मेरी फॉर्म है, तो मैंने एक फर्नीचर 10,000 रुपए का मार्केट से खरीदा। कोई फर्नीचर अगर मैं खरीदता हूँ या मशीनरी अगर मैं कोई खरीदता हूँ तो मेरे को अगर मैं रूलिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मेरी तरफ से क्या चीज, व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आया मेरे पास फर्नीचर आ गया। तो फर्नीचर को मैं क्या करूंगा, जो चीज मेरे पास आ रही है उसे मैं क्या करूंगा, डेबिट। और जब मैंने फर्नीचर उससे खरीदा तो मैंने उसको कुछ दिया होगा, चेक दिया होगा, कैश दिया होगा, तो जो चीज मेरे से जा रही है उसे मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। यानी कि मैं इसको क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। यानी कि व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड अकाउंट की बात करते हैं, नॉमिनल अकाउंट। चलिए लास्ट और आखिरी हम खाते की बात करते हैं जो कि हमारा नॉमिनल खाता होता है, यानी कि नाममात्र खाता होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू एंड अदर, द टर्म्स एज नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे मैंने चार बातें कही, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। पहला कि अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इसके लिए मैंने जब आपको थंब रूल बताया था उसमें भी बताया था, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो यहाँ पे हमको जो भी व्यापार में खर्चे हो रहे हैं, बहुत तरह के खर्चे होते हैं, या जो भी हमारे पास हानियां हो रही है, उन सबको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। थर्ड मेन पॉइंट है यहाँ पे गेन एंड रेवेन्यू, यानी कि अगर हमको कहीं से भी कोई भी इनकम हो रही है या हमको कोई भी गेन हो रहा है वो हम इसको इंक्लूड करके यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे भी इस चीज में हम देखेंगे कि अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू एंड अदर आर टर्म्ड एज द नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हम अकाउंट की बात करेंगे, डेबिट ऑल द रूल्स ऑन एक्सपेंसेस आर लॉसेस, ऑन क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन। तो यहाँ पे क्या जाएगा, गेन। इसके कुछ एग्जाम्पल की भी हम बात करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं सैलरी, जिसे हम वेतन कहते हैं, जहाँ कोई भी व्यापारी अपने आप को काम करता है व्यक्ति, उसको जो दिया जाता है उसे सैलरी कहते हैं। रेंट, जो किराया होता है, अगर हम कोई भी फैक्ट्री या किसी चीज को हम किराए पे लेते हैं उसके लिए हम कुछ एवरेज में उसको कुछ अमाउंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंट। इंटरेस्ट भी हमारा रिसीव भी हो सकता है और हमको पेबिल भी करना पड़ता है, तो वो भी हमारा किसका पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। कमीशन भी हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, जिसको हम किसी भी चीज को सेल परचेज करने के लिए किसी एजेंट को या किसी अदर पर्सन को हम जो देते हैं अमाउंट देते हैं, शॉर्ट ऑफ अमाउंट होता है, उसे हम कमीशन कहते हैं। लास्ट है डिस्काउंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। देखिए हमने यहाँ पे जो बात करी वो गोल्डन रूल्स की बात करें अकाउंटेंट की, जिसमें हमको ये अच्छी तरह हमको ये समझ लेना चाहिए, अगर कोई भी किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को ये रूल नहीं पता होंगे तब तक वो अकाउंटिंग नहीं कर सकता। जब तक उसको ये नियम नहीं पता होंगे तब तक वो इस अकाउंटिंग को नहीं कर सकता। तो इसलिए बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए ढंग से कि जो मैंने आपको रूल बताया है, तीन अकाउंट बताए हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसके जो नियम बताए हैं, पर्सनल में जो भी आपके पास रिसीव हो रहा है उसे डेबिट करेंगे, जो भी उसके पास से जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे, रियल में मैंने आपको बताया व्हाट कम्स इन, जो भी हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, व्हाट गोज आउट, जो भी हमारे से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, और लास्ट में मैंने आपको बताया नॉमिनल अकाउंट, इसमें जितने भी एक्सपेंसेज है ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। इसको आप याद कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।